उत्तराखंड के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट सत्र को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आगामी 26 फरवरी से 1 मार्च तक देहरादून विधानसभा में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद सदन में बजट रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में बजट सत्र के दौरान किए जाने वाले कार्यों और उसके संचालन की रूपरेखा बनेगी। बता दें कि पिछले दिनों उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र को गैरसैंण विधानसभा की जगह देहरादून विधानसभा में कराए जाने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी थी। ये जो बजट सत्र हम लोग ला रहे हैं वो 26 से और 1 तारीख के बीच में हम लोग विधानसभा का सत्र ला रहे हैं, जो बजट सत्र और पहले दिन उसमें महामहिम राज्यपाल जी का भाषण होगा, उसके बाद कार्य मंत्रणा समिति जो तय करेगी, फिर उस दिन हम लोग अपने इस प्रदेश का बजट लाएंगे। राज्यपाल के भाषण पे भी चर्चा होगी? नहीं, मैं समझता हूँ कि विपक्ष अपनी बात कह सकता है, लेकिन हमने जो कार्य मंत्रणा समिति है उसके माध्यम से तय करना है कि कितना समय किस विषय के लिए दिया जाएगा, और कार्य मंत्रणा समिति में सभी लोग मिलकर तय करते हैं। तो ये कहना कि भाई समय कम है, मैं नहीं समझता, क्योंकि आज से पहले भी लगभग इसी प्रकार के आहूत होते रहेंगे।